चले जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी संख्या में या चर राशि का कोई गुणांक क्या होता है। उनमें से हम लोग देखेंगे कि यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ना? एक सवाल मेरे पास है क्या, यक्ष माइनस फोर और यक्ष माइनस फोर में यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ना? अब जरा देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है भाई, यक्ष माइनस फोर और दूसरे संख्या कौन सी है, यक्ष माइनस फोर, कारण कुछ नहीं है बस यक्ष का यक्ष में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यक्ष का यक्ष में गुणा किए यक्ष स्क्वायर, फिर यक्ष का एक फोर गुणा करेंगे यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस, तो होगा क्या माइनस, अब हो जाएगा यहाँ पर फोर यक्ष, देखिए यक्ष का मल्टीप्लाई कर दिए फोर में कितना फोर यक्ष, अब फोर का गुणा करेंगे फोर का गुणा किए यक्ष में ये माइनस है ये प्लस, हो जाएगा क्या माइनस फोर यक्ष, अब चार का गुणा किसमें कर दिए चार में, तो माइनस 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 क्या होता है प्लस, हो जाएगा प्लस चार चौका सोलह, ठीक। आप ध्यान दीजिए कि यक्ष स्क्वायर और ये माइनस है ये माइनस है, जब माइनस 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 क्या होता है माइनस बोले माइनस बराबर क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे जुड़ जाएंगे, अब क्या होगा भाई चार और चार कितना हो जाएगा आठ, चिन्ह किसका लगेगा प्लस प्लस आठ यस नो, माइनस माइनस क्या प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, ठीक है ना, अब क्या हो गया चार और चार आठ जुड़ तो गए लेकिन चिन्ह किसका लग गया माइनस का, प्लस कितना बचा सोलह। अब हम देखेंगे कि यक्स स्क्वायर है कहाँ, यक्स स्क्वायर यहाँ पर है, सवाल में मैंने पूछा हुआ है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यक्ष में किसी संख्या का गुणा हुआ है नहीं, कितने का गुणा, जब किसी संख्या का गुणा नहीं होता तब कितने का गुणा होता है एक का ना, तो यहाँ कितना हुआ यक्ष स्क्वायर का गुणांक बराबर एक, यदि पूछता यक्ष का गुणांक, यक्ष में किसका गुणा हुआ है आठ का, यक्ष का गुणांक बराबर आठ, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखिए कि यक्ष या किसी भी संख्या का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, मैंने कहा जब यक्ष का यक्ष में गुणा करेंगे तो गुणा करते समय घाते क्या करती हैं जुड़ती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी, एक एक कितनी हो जाएगी दो घात, हो गया कितना यक्ष स्क्वायर, यक्ष का जब गुणा कर दिए फोर में ये था प्लस ये क्या है माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ चिन्ह लग गया माइनस का, यक्ष का गुणा चार में कर दिए कितना आ गया चार, फिर चार का गुणा करना यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, और चार का गुणा यक्ष में कर दिए कितना आया चार, चिन्ह किसका लगा माइनस का, फिर देखिए माइनस है ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, चार का गुणा कर दिया कितना आया सोलह। आप ध्यान दीजिए मेरे पास प्राप्त होती है संख्या यक्स स्क्वायर माइनस फोर यक्स माइनस फोर यक्स प्लस सोलह, आप ध्यान दीजिए आता है कि यक्स को यक्स स्क्वायर उतर जाएगा क्योंकि दूसरी संख्या कोई है नहीं, अब दूसरी कंडीशन आती है माइनस यक्स और माइनस यक्स, मैंने कहा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन बीच में गुणे का चिन्ह है नहीं, भले ही प्लस होगा जुड़ेगा तो, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, इसलिए चार और चार कितना हो गए आठ, माइनस आठ यक्स प्लस कितना सोलह। अब पूछा यक्स स्क्वायर का गुणा, अब मैंने कहा यक्स में किस संख्या से गुणा किया गया है, किसी से नहीं, जब किसी से नहीं गुणा किया होता है तो कितने से गुणा किया जाता है एक से, तो यक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो गया एक, अगर पूछता है यक्स का गुणा कितना होगा तो कितना होगा आठ ना, इस प्रकार देखिए किसी भी संख्या का गुणा ज्ञात किया जाता है ना, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो बस उसको क्या करना है, अगर गुणा करने के लिए कहा गुणा करने के बाद ज्ञात कर लीजिए, अगर डायरेक्टली दिया हुआ है डायरेक्ट देख कर भी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना, इसी प्रकार ज्ञात हम लोग करेंगे।